देखें गाइस, ये है हमारे रामसू की बिल्डिंग। देखिए क्या मौसम है, यहाँ पे बारिश हो रही है सुबह से। रेलवे आगे आगे देखिए क्या स्पीड है इनकी। ये यहाँ के लोकल है, ये ट्रैकिंग ग्राउंड है, बहुत ज़्यादा है। देखिए ये बहुत ही जबरदस्त ट्रैकर हैं और ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ते हैं। रात को हम इसी रास्ते से आए थे, थोड़ा डर भी रहे थे, लेकिन फिर हमने बोला डर के आगे जीत है। बारिश तेज ना हो जाए तो बस गाड़ी मिल जाती है उधर से। ओहो, वो हमारे घर छुप गए वहां पे पेड़ों के पीछे। क्या बोल रहा? 12 बजे, 12 बजे हम यहां से गुजरे थे इन रास्तों से। किधर से हमने बोला जब होगा कुछ किस्मत में तो फिर कौन बचा सकता है, है ना? देखिए गाइस, ये वो रास्ता है जो इनको डेली यूज करना पड़ता है। शॉप पे जाना हो, मार्केट जाना हो, सिटी जाना हो, बाजार जाना हो, कहीं भी जाना हो, यहीं से गुजरना पड़ता है। और ये उस पार नेशनल हाईवे। और
ये रहे हम। वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यहाँ पे चलना, लेकिन बहुत इंटरटेनिंग होता है, एक नया एक्सपीरियंस लगता है। और जब से मैं आया हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, खासकर यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का मौसम, और ये जो माउंटेन्स हैं, जब इनकी तरफ नज़र पड़ती है तो एक दिल को एक सुकून सा मिलता है। और हमारा यहाँ पे घर भी है पीछे, जहाँ से हम आ रहे हैं। वैसे तो हम वहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन कभी 10-15 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ पे हमारी फैमिली रहती थी और यही रास्ता इस्तेमाल करती थी। और ये देखिए कैसा रास्ता है। आज तो बकदरे बेहतर है, पहले बहुत थोड़ा, पहले ज़्यादा ख़राब थी, अब तो ये लोग, ये हमारे एक दो घर हैं जो इसको मेंटेन करके रखते हैं। और रात में यहाँ पे रिस्की होता है यहाँ से चलना, क्योंकि यहाँ पे लिपट वगैरह भी पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में, तो इसलिए थोड़ा मोहतात होकर जाना पड़ता है। अगर बाई दी वे आना भी पड़े तो टॉर्च वगैरह, और ये है मेरे शूज़, मैंने अपने शूज़ निकाल दिए, रबड़ के शूज़ लगा के आया हूँ, ताकि मुझे उन दोबारा उन शूज़ को धोना ना पड़े।